Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as. हेलो गाइस एंड व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल द केडी जॉन एंड दिस इज मी कौशल डिमरी। तो हाँ जी, दिवाली के इस अवसर पे हमने अपने बाइक को रैप कर लिया है एंड थंबनेल में आपको देख लिया होगा कि कैसा रैप कर रखा है। तो फिर भी आपको मैं अभी इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि मैंने रैप कैसा करा है एंड कहाँ से करवाया था एंड कितना कॉस्ट लगा एंड बाइक कैसा लग रहा है। तो उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। चलिए, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अभी आपने सिनेमैटिक शॉट में बाइक तो देख ली होगी एंड अभी आप ये कुछ शॉर्ट्स देखो जब मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा था। फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने इसको इंस्टॉल कहाँ से करवाया एंड कितना इसका कॉस्ट पड़ा था, जहाँ से करवाया उसका नंबर वगैरह सब आपको बताऊँगा एंड एक बार आपको बाइक भी दिखा दूंगा सही से। मतलब सिनेमैटिक में थोड़ा अलग होता है, सामने से अलग होता है, तो वैसे मैं भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, मेरा पहले से प्लान था कि मैं स्काई ब्लू में करूंगा बट मैंने आरटीओ के डर से नहीं किया था। मतलब मेरा जैसे बाइक की आरसी में जो ब्लैक कलर है, अगर मैं स्काई ब्लू रैप करूं तो मेरे को डर था कि कहीं चालान ना हो, बट मैंने बहुत से लोगों का देखा, सबने करा था एंड उनका अब तक चालान हुआ नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना कर लिया जाए एंड मेरा पहला वाला डिकेल था जो वो निकलने लगा था एंड थोड़ा बोर भी हो गया था उसको देख देख के, तो मैंने सोचा क्यों ना चेंज कर लिया जाए। तो मैंने कर लिया स्काई ब्लू में एंड बाइक सामने खड़ा है एंड बाइक बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम आई कैचिंग वाला ही कलर है। जब भी जा रहा है तो लोग देख रहे हैं मुड़ मुड़ के। सो हाँ जी गाइस, अभी मेरे सामने है बाइक, एक बार आपको बाइक दिखा देता हूँ कि काम कैसा हो रखा है। तो ये देख लो, काम एकदम बढ़िया हो रखा है, एकदम साइन आ रही है प्रॉपर वाली, मतलब लग नहीं रहा है कि कहीं से रैप करा हुआ है, अच्छा पेंट ही लग रहा है ओरिजिनल। एंड ये सामने से देख लो एक बार, सामने का प्रोफाइल कुछ ऐसा आता है तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अगर आप ये अपनी बाइक पर कराना चाहते हो तो बिल्कुल मैं सजेस्ट करूँगा, जरूर करो ऐसा रैप। और अगर देहरादून से हो, उत्तराखंड से हो, तो वहीं से करना जहाँ से मैंने करवा रखा है। एंड साइड से कुछ ऐसा लगता है, एक बार हल्के से दूर जाके भी दिखा देता हूँ। तो देखो ये ऐसा लग रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है बाइक, मतलब आई कैचिंग बढ़ रहा है। जब पब्लिक में जा रहा है तो लोग देख रहे हैं मुड़ मुड़ के कि कौन सा बाइक है एंड ये कलर जो है पूरा आई कैचिंग वाला है। जैसे कि मेरा जो ब्लैक कलर था उसमें लोग देख नहीं पाते थे बाइक को जब जाती थी कहीं से, बट ये वाला जो कलर है हर किसी की आंखें अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ। तो हाँ जी गाइस, अभी बात करते हैं मैंने ये रैप कहाँ से करवा रखा है। तो मैंने ये करवा रखा है गुलाटी, जो कि देहरादून में एक बहुत ही बढ़िया शॉप है जहाँ बाइक और स्कूटर की लेमिनेशन होता है। गुलाटी मोटरसाइकिल एंड एक्टिवा लेमिनेशन करके उनका शॉप का नाम है। बाकी अंकल का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड प्रॉपर एड्रेस भी मिल जाएगा। बाकी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, वो है घंटा घर के पास जो इंद्रा मार्केट है उधर ही पे है। आप इंद्रा मार्केट से अंदर जाओगे ना तो आपको दिख जाएगा सामने गुलाटी करके। बाकी वो बहुत ही अच्छे रैप करते हैं यार गाइस, अगर आप करना चाहते हो तो करो। बाकी ये कलर स्कीम भी अगर आपको पसंद आ रही है तो करो एंड अगर देहरादून उत्तराखंड से हो तो वहीं जाके करना। तो बस इतना ही, बस एक अपडेटेड वीडियो था मेरे रैप के ऊपर। तो ये बाइक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अगर ये पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट में फालतू चीज़ें मत लिखना, क्योंकि ये मेरे को पसंद है एंड सबका अलग अलग पसंद होता है। तो मैं जिसको ये पसंद नहीं आ रहा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग तो ये अपनी बाइक को मॉडिफाई कर नहीं सकता, अपने अकॉर्डिंग ही करूँगा। तो बस मिलता है अगली वीडियो में यार, तब तक के लिए गुड बाय।